हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं विश्वंजन और आज मैं जीविका का टॉप 50 जीके का जो सीरीज चल रहा है उसका 9वां वीडियो पार्ट 9th लेकर आप तक आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने, अधिकतम से अधिकतम अवधि संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती है। ऋतु संहार किसकी रचना है? ऋतु संहार कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव हैं। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में घना पक्षी विहार स्थित है। इसे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। इसे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। और 1982 ईस्वी में 1982 में राष्ट्रीय उद्यान में इसे शामिल किया गया था। और 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को अर्थात घना पक्षी विहार को शामिल किया गया है। 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि असम में स्थित है वह एक सिंह वालों गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स एडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में 1932 में न्यूटन का खोज किया गया था। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद। अमजद अली खान जो है वह सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात सबसे ऊंचा है और यह शरावती नदी पर है। यह कौन सा नदी पर है? शरावती नदी पर बना हुआ है जोग या गरसोपा जलप्रपात। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 1.3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में, अर्थात कि चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में विशेष यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो 1.3 सेकेंड में। अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 ईस्वी में 92 में अमेरिका का खोज किया गया था। किनके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था 1492 ईस्वी में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? हमारा राष्ट्रीय पंचांग
सख संबत है, तो सख संबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को सख संबत को हमारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता मिली थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है तापमान में? तो 165 मीटर जब आप ऊंचाई पर चलते हैं, ऊंचा ऊपर उठते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आएगी। किस ग्रह के चारों ओर बलय है? शनि ग्रह के चारों ओर बलय है, गैसों का बलय है शनि ग्रह के चारों ओर। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट है। कादंबरी जो है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी हुई है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखी गई है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। मानस अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ? तो तमिलनाडु। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन को नीली क्रांति भी कहा जाता है। जब मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि होता है तो कहा जाता है कि नीली क्रांति आया। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ सबसे कम वर्षा होता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। शुक्र को साय अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वह हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, CH4 मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से 1984 ईस्वी में बहुत बड़ी गैस त्रासदी भोपाल में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया गया था। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर झील है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्ट प्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त, गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।